I will start with. शुरू कहाँ से किया? आज यहाँ पे आ गए. आज भी देखता हूँ नर्सरी में हमें स्कूल भेजा जाता था. हम आते थे स्कूल में, हम आते नहीं थे एक्चुअली, भेजा जाता था. हम रोते थे, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे स्कूल नहीं जाना. मम्मी बोलती तू जाएगा, हमें नहीं पता था हम किसके लिए. हम रोते थे, तड़पते थे, माँ मुझे स्कूल नहीं जाना, नहीं जाऊँगा मैं. एक वो दिन था जब हम यहाँ पे आना नहीं चाहते, और आज एक ये दिन है जब हम यहाँ से जाना नहीं चाहते. देखता हूँ आज भी जब छोटे बच्चे आते हैं, स्पेशली ये जूनियर और टीचर्स के लिए है. छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं ना, जब मैं सुबह आ रहा होता हूँ तो छोटे बच्चे आते हैं, अपने माँ बाप का ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे थे. जब यहाँ पे छोड़ते हैं ना हाथ, तो आंटी खड़े होते हैं वहाँ पे, तो पकड़ते हैं उनका हाथ, बच्चों का बच्चा ऐसा कुछ मुझे देते हैं. रोता है कि मुझे पेरेंट्स के पास जाना है, यहाँ पे नहीं जाना. रोता है बच्चा, लेकिन कहाँ से मोल्ड किया. और वो मैं नीरा मैम को देखता हूँ, आप सबको देखता हूँ ना, जब बच्चा रोता है उसको ऐसे पकड़ते हैं, हाँ भाई हाँ हाँ, ऐसे सीने के साथ लगाते हैं. ऐसे मुझे भी किसी दिन लगाना होगा, वहीं पे लगाया था, मुझे चुप कराना सिखाया था. मैं आया था वहां पे, बेंच पे बिठाया गया था, मुझे बैठना नहीं आता था. मैं रोता था ऐसे, मुझे बैठना नहीं आता था, मुझे बिठाया गया, मुझे खाना तक नहीं आता, मुझे खिलाना सिखाया गया, मुझे लिखना नहीं आता था, मेरा हाथ पकड़ा गया, मुझसे लिखवाया गया हर एक चीज. खाना मुझे कैसे खुद तोड़ के मेरे मुंह में डाला गया, कहां से कहां पहुंचाया, मुझे पढ़ाया गया. मुझे नहीं पता था मेरे लिए वो ए लेटर जो था ना, बस एक लकीर थी, उसका मतलब मुझे समझाया गया. आज मैं इतनी बड़ी बुक्स पढ़ रहा हूं, इतनी मोटी मोटी, अगर आप नहीं होते ना तो उस बुक का लेवल भी नहीं पढ़ पाता, उस चीज का मतलब ही नहीं था मेरे लिए. कहां से कहां पहुंचाया गया. पता क्या होता है, जब हम बड़े होते हैं ना, छोटे होते बहुत अटैचमेंट होता है एज अ सेकंड मदर, क्योंकि यहीं पे तो आए हम, यहीं पे तो सारी कोशिशें की, सब कुछ बने हैं. एज अ सेकंड मदर आपने ट्रीट किया. जब निकलते आगे आगे जाते हैं, बड़े होते हैं, वो बहुत छोटे होते तो बहुत बहुत ज्यादा मजबूत होता है, पर जैसे बड़े निकलते हैं ना वो बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि वो वीक फीलिंग्स नहीं रहती. हम नए लोगों से मिलते हैं, इसलिए मुझे कई बार ऐसे लगता है कि आप लोगों को ना वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती. कई बार लगता है कि जब बड़े बच्चे ऐसे बोल के जाते हैं ना, तो सिर्फ सीनियर टीचर्स के लिए बोलेंगे, सब्जेक्ट टीचर्स के लिए. और आपने कहां से कहां पहुंचाया इतने प्यार से, और आपको कई बार वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता. वो चीजें देखता हूं मैं, कहां से कहां तैयार करके कहां पहुंचाया. अभी सर सीनियर टीचर्स के लिए, सबके लिए सबका अलग अलग रोल है, सीनियर टीचर्स. सर मैं पता क्या समझता हूं, ये जो है ना एक पिंजरा है, पिंजरे को गलत मत लेकर जाना. पिंजरा इसलिए भी होता है कि मैं तेरे को कैद करके रख सकूं, पिंजरा इसीलिए भी होता है ताकि बाहर से तेरे पे कोई कुछ कर ना दे. और ये वो वाला पिंजरा है, इसके अंदर रखा गया चिड़िया, देखी कभी, उसको उसके पिंजरे में रखा जाता है, खाना वगैरह सब परोसा जाता है. इसी तरह या हमें सब भरोसा नहीं. सर आप लोगों ने हमें उस लायक बनाया, जैसे हीरे को तराशते हैं ना, उसी तरह हमें तराशा गया, ताकि जब मैं बाहर निकलूं तो मुझे स्ट्रगल ना करनी पड़े इस सेफ हाउस से. अभी ये टाइम है, स्कूल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और जैसे वो पिंजरे का दरवाजा खुलता है चिड़िया निकलती है. मैं इस खुले आसमान में निकल गया, मैं भी निकल गया, जाना कहां पे है पता नहीं, बस निकल गया. इतनी खुशी है मैं निकल गया. सोता हूं जब मैं, रहना तो यहीं पे ही है, जब भी यहां से बाहर से निकलूंगा, जब मुझे कई बार मौका मिले दोबारा इस यहां पे आने, ये दोबारा चीजें देखूंगा मैं, ये क्लास थी मेरी, यहां पे सब कुछ किया, सारी मस्ती की, यहां पे इतने साल निकाले. पता क्या है, जब पिछली प्लस टू बैठी थी ना, ऐसे ही हम भी आपकी तरह यहाँ पे खड़े थे, आप सब प्लस वन की तरह ऐसे थे, तब पता नहीं लगा था कि जो प्लस टू बैठी उनको कैसा लग रहा, क्योंकि उस सिचुएशन में पढ़े नहीं.
अब पढ़े तो अब पता लग रहा है कि तब उनको वहां पे बैठा कैसा फील हो रहा था। अब मैं बैठा हूं ना तो अब पता लग रहा हूं, जब भी बाहर से निकलूंगा देखूंगा यार अगर साथ लूंगा ये मेरा स्कूल था, इतने साल मैंने यहाँ पे गुजारे हैं। यार शायद घर से भी ज्यादा टाइम यहाँ से निकलते थे, ट्यूशन निकल जाते थे, घर तो रात को जाना है, सुबह निकलना है, इतने घंटे स्कूल में बिताने, इतना टाइम बिताया यहाँ पे, और एक पल में वो सारा रूटीन वो सारी चीजें एक पल में छोड़ देना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है, दुख लगता है कभी। गाइस आप सब लोग मेरे दोस्त, कल रात में पता क्या कर रहा था, मैं लेटा हुआ था बेड पे, सामने मेरी ड्रेस पड़ी हुई स्कूल की, ऐसे डाली थी ना तो स्कूल में मिस वॉश नहीं की हुई थी, वैसे ही रखी पड़ी थी क्योंकि यहाँ एक दिन डाली होती है दो चार घंटे क्योंकि पेपर एग्जाम चल रहे थे, वैसे पड़ी, मैं ऐसे देख रहा हूँ, कौन कहेगा ये ड्रेस तेरी यूनिफॉर्म पूरी नहीं है, कौन बोलेगा, कोई भी नहीं, ये ड्रेस जो देख रहे हैं ना इसको तो दोबारा नहीं पहन पाएगा, नहीं पहन पाएगा दोबारा, बस अब तक पहली बहुत था। तब मुझे पता लगा यार तेरे दिन में होता था यार शॉक्स नहीं है, चल कोई बात नहीं, पर तू आज वही कलर की सॉक्स डालेगा ना तो उसकी इंपॉर्टेंस मिलती। अभी कि मतलब जब मैं बड़ा होगा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैरिड लाइफ, तो जब बच्चे हो जाएंगे छोटे मेरा फोन पड़ा हुआ है, बच्चे वाली बात वैसे बहुत बड़ी लगती है, बहुत दूर की सोच है, पर कई बार फोन पड़ा होगा तो बच्चे ऐसे फोटोज पे ऐसे स्क्रॉल कर रहे होंगे, एकदम से आप लोगों की फोटो आ जाएगी, पापा ये कौन है, कौन है ये, अरे ये वो लोग हैं जिसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, ये वो लोग हैं इनके साथ सारी पल गुजारे हैं, वो बदतमीजी वो शरारते, बदतमीजी वो वाली नहीं वो वाली, वो शरारते जो सारी की हमारी प्लस टू की सबसे अच्छी बात पता क्या, हमारे बैच की ये जो सारे पीछे बॉयज बैठे हैं ना, पिछली प्लस टू थी ना थोड़ा, मैं अगर उनकी बुराई नहीं कर रहा, वो ऐसे थे हाँ खा नहीं मतलब ऐसी उनकी लिटरेरी नेचर होती है किसी की भी, हमारी क्लास का पता क्या है, ये लवप्रीत बैठा है, सचिन बैठा है, हम सब बैठे ऐसे, अगर किसी के मुंह पे ऐसे लगा भी देगा ना मजाक से तो बाद में चक्की डाल के मिलेगा, ऊपरा आया तू मेरा फेंक गया मारे खोल मार, ये होता है प्यार यार, वो प्यार नहीं था ये प्यार है, कैसे खत्म करूं, निकल रहा हूं बस यहां से, अभी कुछ चंद घंटों की बात, बस एग्जाम से आगे निकल जाते गाइस, बस थैंक यू करता हूँ आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कुछ भी, हाँ एक बात और आ गई शुक्र है दिमाग में, वहां अगर बाद में आती ना बैठे तो कह रहे थे यार ये बात बोल नहीं पाया तुम लास्ट टाइम, तो भूल गया, बहुत अच्छा हुआ भी याद है मैंने ये स्कूल से बहुत कुछ सीखा, मुझे आज भी याद है यही जगह थी, बस थोड़ा सा फर्क था स्टेज वहाँ पे थी शायद, यहीं से शुरू किया मैंने। आज अब मुझे यहाँ से सेलिब्रिटी वाला क्वेश्चन पूछा गया ना, दो लोग यहाँ पे खड़े थे मेरे से पहले, मैं सोच रहा था क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ, दिमाग में कुछ नहीं आया, मेरे से क्वेश्चन पूछने आ गए, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में बोला शुरू किया अपने आप अंदर से, ये कुछ सीखा है मैंने यहाँ से, मेरे अंदर खुद पर कॉन्फिडेंस बना है, वहां जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था अब भी मैं बोल के गया ना वहां से पानी पीने के, मेरा गला सूख गया, वहां पे दो टीचर्स बैठे ना उन्होंने कहा मैम थैंक यू सॉरी नॉट थैंक यू, बहुत अच्छा बोला अंकित शाबाश, तो ये मेरे लिए मोटिवेशन है ना, हम लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, मोटिवेशन बस पहचानो उस मोटिवेशन को, मुझे बहुत अच्छा बोला अंकित थैंक यू मैम, वो अंदर लगती है बात, अच्छा बोला तू कर सकता है, फर्स्ट टाइम जब यहाँ बोला था मैम जब भी डालकर मिलकर गए थे मैम ने स्टेज पे मुझे ऐसे इतने लोगों में से एक को पॉइंट आउट करके कहा, ठीक है ना, तो वो मोटिवेशन है, हम मोटिवेशन ढूंढते हैं, हमें पहचानी है हमारे यहाँ पे हर एक जगह मोटिवेशन है, बस उसको पहचान। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि यहाँ से कुछ इतना बड़ा मैं कमा के जा रहा हूँ ना, आगे जाके इंटरव्यू होगी ना तो यहाँ पे इस जगह को जरूर जाता हूँ, मैं यहाँ से निकला था यहाँ पे कुछ सीख के गया हूँ, आज मैं यहाँ खड़ा बोल रहा हूँ ना, अभी घर से आया था मेरे दिमाग में नहीं था कुछ बोलूँ, पर जैसे फीलिंग्स आती है ना तब बात बनती है, अभी इतने टाइम में इतने कम टाइम में
ये कुछ बोल गया, मैं अंदर देख रहा हूँ अपने कि मैं अगर इतना कुछ बोल गया भाई कुछ तो कमाया हूँ, कुछ तो कमा भाई। यही कहूंगा अपनी मेहनत डालो, कुछ ना कुछ है आप लोगों में, उसको पहचानो निकाल डालो। तो ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू।